ग्रिल सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है। ये लिया है मैंने आधा बॉइल्ड पोटैटो जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये आधी गाजर इसे भी कद्दूकस कर लिया है, ये आधा खीरा इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटा प्याज इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और ये छोटा एक टमाटर इसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सब चीजों को मैं एक साथ मिक्स कर लूंगी। अब इसमें ऐड करती हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आज मैं ये ग्रिल सैंडविच बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों के हिसाब से मैंने ये एक क्लाउड शेप का कुकी कटर लिया है, ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं इसको कुकी कटर से ये शेप दे दूंगी क्लाउड की। ये देखिए मेरे पास ये दो ब्रेड स्लाइसेस थे तो ये दोनों स्लाइसेस के क्लाउड्स बन गए। इसी तरह से मैं और भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाउड्स बना लेती हूँ। ये मेरे क्लाउड्स कट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मेयोनीज ऐड लगाती हूँ। सभी क्लाउड्स में मैं ये नीचे मेयोनीज लगाऊंगी। सभी ब्रेड क्लाउड्स पे मैंने मेयोनीज अच्छे से लगा लिया। अब इन सब में मैं ये स्टफिंग फिल करती हूँ इवनली अच्छे से। इसी तरह से सब में फिल करती हूँ मैं स्टफिंग। सभी ब्रेड क्लाउड्स पे मैंने अच्छे से स्टफिंग लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं ये चीज स्लाइस रखूंगी। ये एक सिंगल चीज स्लाइस को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर रखती हूँ और दूसरे क्लाउड से इसको ऐसे बंद कर देती हूँ। सेम इसी तरह से मैं एक और इसमें इस तरह से रख के इसको दूसरे क्लाउड से बंद कर देती हूँ और एक और चीज स्लाइस और उसके ऊपर एक और क्लाउड। ये रेडी हो गया सैंडविच। बस अब मैंने इसको ग्रिल करना है। ये मेरा प्री हीटेड ग्रिलर है, इसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है और ये ग्रिलर को मैंने 2 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपने ये क्लाउड सैंडविच रखती हूँ। और इसे ग्रिल होने देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसमें ग्रिल मार्क्स बन गए हैं और चीज भी मेल्ट हो गया है। तो चलिए इसे निकालते हैं। तैयार है मेरे क्लाउडी ग्रिल सैंडविच। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। लीजिए तैयार है मेरे स्माइली ग्रिल सैंडविच बच्चों के लिए। आप भी बनाइए, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।